निकल दिया जाओ उनको। कहाँ चले गए महल के इस हिस्से के सारे सुरक्षाकर्मी? महल के इस भाग में कीचड़ सने पाव के निशान किसका है? दुस्साहस है। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? जो भी सामने दिखे उसे जान से मार दो। जिसने भी हमें जिंदा देखा है उसे जिंदा मत छोड़ना। अस्तबल में नहीं है प्रताप। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से खंगाला है पूरा अस्तबल। कहीं नहीं है प्रताप। लगता है वो वापस लौट रहा है अपने आराम गाह में। चेतक ने हिनहिनाना क्यों बंद कर दिया? चुपचाप खड़ा है। एक लिंची कहीं ऐसा तो नहीं कि फैजल के पहुंचने से पहले प्रताप वहां से निकल गए? अरे कुंवर साहब, आप यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हैं? क्या कर, मैं नींद ही नहीं आ रही है। आपको पता है दादी राजर माँ का महारानी साह के कक्ष में होनी चाहिए वे तो। ठीक है, हम आपको वहां तक छोड़ दें। जी नहीं, हम बच्चे नहीं है। धन्यवाद। अमर सिंह जी, कितनी रात गए आप अपने कक्ष के बाहर? क्या कर रहे हैं? सोए क्यों नहीं अब तक? दादी राज, हम क्या करते, हमें नींद ही नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो क्या यूं इस प्रकार भटकने से आपको नींद आ जाएगी? जी नहीं, हम माँ के पास जा रहे थे। वही सुनाती है ना हमें सुलाने वाले वीर का था। नहीं, उन्हें विश्राम करने दीजिए। हम है ना, आप सुनाएंगे हमें वीर का था? क्यों नहीं, हम सुनाएंगे आपको वीर गाथाएं। ठीक है, चलिए आइए। आज हम आपको सुनाएंगे शूर वीर गाथाएं। ऐसी गाथाएं जो आपने आज तक सुनी ना। अच्छा, कौन सी गाथाएं सुनाएंगे आप? कौन सी गाथाएं? कौन हो तुम लोग? ताजा गर्मा गर्म खून। कहा गया ये प्रताप? हमें तो लगा था कि वे परिहास से बाहर निकले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच गुस्सा हो गए वे? परंतु हमने गलत ही क्या कहा? रानी माँ भी तो हमसे यही कहकर गई थी कि फूल का ध्यान रखना, उनके अधिकारों का ध्यान रखना। और यदि उन्हें हमारी बात अच्छी भी नहीं लगी तो
इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? जानते हैं ना वे कि हम किस हालत में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि राणा जी ने हमारी बात मान ली और वे फूल के कक्ष में चले गए? इतनी रात गए कौन हो सकता? चुपते आप सो ही नहीं अब तक? आप हमसे ये पूछने आई थी? हाँ नहीं, वो हम देखने आए थे कि राणा जी है क्या। हाँ, किंतु आपको कैसे पता चला कि आज वो यहाँ है हमारे कक्ष में? हम तो चाहते ही थे कि आप क्या चाहती रहती है हम जानते हैं जब। अब चलिए मिल लीजिए उनसे, नहीं तो बुरा मान जाएंगे हमारे राणा जी। आइए। नहीं नहीं फूल, इस समय भीतर आना ठीक नहीं होगा, हम चलते हैं। अरे क्यों नहीं आना चाहिए? चलिए आइए मिल लीजिए। फूल सुनिए, ये रहे हमारे राणा जी। अच्छे लगे तो कहिए खम्मा गणी, क्या हुआ? ओ हाँ, इससे पहले कि आप कुछ उल्टा पुल्टा सोचे जिसमें कि आप पारंगत हैं, हम आपको बता दें कि इस बार ये चित्राम हम अमर सिंह जी के लिए बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारा पहला वाला उनका दिया हुआ चित्राम आप वहां से उठाकर अपने कक्ष में ले जा चुकी है। ओ, हमें क्षमा कर दीजिए फूल, यूं ही अचानक आपके कक्ष में बनाइए आप चित्राम बनाइए। छोड़ दीजिए प्रयास करना अजबद, थक चुके हैं हम आपको समझा समझा। इस समय हम आपके आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में अधिक सोच रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं सोच रहे और ना सोचना चाहते। हमें क्षमा कर दीजिए फूल, अब क्षमा मांग के हमें छोटा मत बनाइए अजबद, हम जानते हैं आप हमारे भले के लिए ये सब करती हैं। ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रयास था, अब जब होना होगा अपने आप हो जाएगा। ये हुई ना एक समझदार सखी वाली बात, अब आप अपने कक्ष में जाके आराम से विश्राम कीजिए और राणा जी को बेझिझक आपके पास आकर जो मतलब वो जो चाहते हैं करने दीजिए। है एक बात कहे फूल? अमर सिंह जी, आपकी मासा, उन्होंने बिजोलिया को केवल एक न्यायपूर्ण शासन ही नहीं दिया, बल्कि जब भी अफगानों ने बिजोलिया पर आक्रमण किया, उसे घेर लिया, तो एक शेरनी की भांति वे बड़े ही निर्भीकता से निडरता पूर्वक उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और उन अफगानों का सामना किया। वे उन अफगानों से भिड़ गई, उन अफगानों से और हमसे भी। आज तक लोगों ने आपको आपकी भारी सुंदरता की वजह से पहचाना है, परंतु जब उन्हें यह पता चलेगा कि आपके सोने जैसा मन इस काया से भी अधिक सुंदर है, तो देखना सब पागल हो जाएंगे। हाँ ये बात तो है, इसीलिए ना हम हमारे मन को छुपा कर रखते हैं। अगर सबके सब पागल हो गए तो किस किस को संभालेंगे हमारे राणा जी? हम आते। हाँ
खम्मा गणी हुकुम। गणी खम्मा। महारानी साहब को ढूंढ रही है। ठीक है। रुक जाइए। प्रताप यहाँ नहीं है। यदि प्रताप के पहले आपने अमर सिंह को मार दिया तो सारे सुरक्षा कर्मियों का ध्यान आप पर पड़ जाएगा। प्रताप अपने कक्ष में होंगे, वहां जाइए। सबसे अधिक उनके मिलने की संभावना वही है। तुम्हारा नरम 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 गोश बेहद लहज होगा। रौनक जी, नरम नरम नाजनीन नाजनीन का आदम गोश और वो भी ताजे ताजे खून में तुम्हें ना खा पाने के अफसोस के साथ अभी और लाशें। अजब दे
चंद्रसेन जी चुप जी, संभालिए अपने आप को। क्या हो गया ये चंद्रसेन जी? आक्रमण हो गया हमारे महल पे। आक्रमण? किसने किया ये आक्रमण? कौन है वो चंद्रसेन जी? वो कास्ट हाथी में आए थे आक्रमणकारी। क्या राष्ट्रपति अजबद? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? ये किस? कोई है? कोई है? वैजी को बताइए। कहाँ जब दे? ये कैसे हो गया? राणा जी, हम आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हम भी आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। कुछ नहीं होगा आपको, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। सैनिकों से कहिए कि वे राजमहल के भीतर आए।